ये क्लास 10। आज हम लोग एलजेब्रा का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स। मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया था कि क्लास में रिनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन मेरे को ये वाला चैप्टर खत्म करना है ताकि अक्टूबर में एटलीस्ट हमारा ना एलजेब्रा खत्म हो जाए, देन सिर्फ रिविजन बाकी रहेगा। तो इस पूरे वीक में ना एलजेब्रा के ही ज्यादातर लेक्चर्स होंगे, मराठी और साइंस का छोड़कर जितने भी हिंदी इंग्लिश सबके लेक्चर्स है वो सारे के सारे एलजेब्रा के ही होने वाले हैं। एंड जो भी चीजें मैं अभी सिखा रही हूँ स्टैटिस्टिक्स की, ऑनलाइन लेक्चर्स में पूछने वाली हूँ, तो प्लीज ठीक से ये सारी चीजें रिवाइज करना। बहुत इजी चैप्टर है। फर्स्ट, इस पूरे चैप्टर को ना 6 पार्ट में डिवाइड किया है। 6.1 में आपको मीन पूछा हुआ है, आप लोगों ने 9th में भी किया है मीन मीडियन मोड, लेकिन सिर्फ नंबर्स वाला किया है, अभी क्लास इंटरवल वाला आएगा। तो मीन यानी एवरेज। अब 6.1 में से सारे मेथड डिलीट कर दिए हैं, सिर्फ एक डायरेक्ट मेथड रखा है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ही करना है। तो 6.1 आज हम खत्म कर देंगे। 6.2 में मीडियन है, 4 सम्स है, कुछ भी नहीं निकाला है। 6.3 में मोड है, उसमें भी 4 सम्स है। देन हिस्टोग्राम है जो कि ग्राफ है, नहीं वो आप नॉर्मल बुक में कर सकते हो। फिर पॉलीगन है, ये ग्राफ है। और लास्ट 6.6 है पाई डायग्राम, इसमें से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्किप कर दिया गया। तो ये पूरा स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है। पर लेक्चर एक एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगी, तो इस वीक में 3 और नेक्स्ट वीक में 3, 2 हफ्ते में प्रैक्टिस सेट खत्म, अक्टूबर तक आपका पूरा एलजेब्रा खत्म। ऑनलाइन लेक्चर में एक ग्रुप वालों का सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग का रिविजन बचा है, वो कम्प्लीट होगा। स्टैटिस्टिक्स तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, फिर आपका फुल पेपर होने वाला है एलजेब्रा का। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर। प्रैक्टिस सेट 6.1 में 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 3। अब आपको है ना क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज्ड डेली फॉर देयर स्टडीज, फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट फॉर देयर स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड। एक ही मेथड है मीन का, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड स्किप कर दिया गया। तो आपको टाइम दिया था, तो सबसे पहला स्टेप हमको ये करना है कि टेबल बनाना। ये चीज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है, तो क्लास इंटरवल्स यानी टाइम लिखो। उसके बाद हमको क्लास मार्क फाइंड करना है, तो वो स्पेस छोड़ी हुई है मैंने। फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने टाइम कितना स्टूडेंट डेली पढ़ाई करता है। 0 से 2 घंटे तक 7 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 2 से 4 घंटे 18, 4 to 6 12 स्टूडेंट्स, और 6 to 8 आवर्स तक 10 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और जो बहुत स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं वो 8 to 10 आवर्स पढ़ते हैं, वो 3 स्टूडेंट ही है। तो ये फ्रीक्वेंसी है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आवर्स रेंज पढ़ते हैं। अब हमको निकालना है कि ऑन एन एवरेज कोई भी स्टूडेंट है मीन कितने घंटे तक पढ़ता हो। तो पहला क्या करना है, ये जो क्लास इंटरवल है ना उसका मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू 0 + 2 / 2, 2 + 4 / 2। जनरली मिड वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास डिवाइडेड बाय 2, फिर सेकेंड में अपर क्लास प्लस लोअर क्लास डिवाइडेड बाय 2। या आप सीधे सीधे लिखो ना, 0 और 2 के बीच में क्या आता है, 1, 2 और 4 के बीच में 3, फिर मिडल विडल वैल्यू निकालनी है 7, और ये हो जाएगा आपका 9। या तो अगर आपको इस तरह से नहीं समझा है, एड करो 2 + 0 = 2 / 2 = 1, 4 + 2 = 6, 6 / 2 = 3, 6 + 4 = 10, 10 / 2 = 5, 8 + 6 = 14, 14 / 2 = 7, 18 / 2 = 9। या तो इस तरह से फाइंड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली मिड वैल्यू तो लिखनी है। इसको बोलते हैं क्लास मार्क, ये हमको फाइंड करना रहता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्साइज से। फिर ये जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितनी बार जो जो स्टूडेंट नंबर्स है वो दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट कॉलम आपको फिल करना है एक्साई एफ आई, मल्टीप्लीकेशन करना है दोनों। 1 × 7 = 7, 18 × 3 = 54, 12 × 5 = 60, फिर आपका है 7 × 10 = 70, 9 × 3 = 27। अब हमको टोटल लेना है, हमको टोटल चाहिए एफ का और एफ आई एक्स आई का, तो इसका टोटल करेंगे तो आ जाता है आपका 50, और इसका टोटल करेंगे तो आता है 218। एक बार वापस बता रही हूं हमने क्या क्या किया।
ये चीज आपको दी रहती है, ये भी दी रहती है। हमने क्लास मार्क निकाला, क्लास मार्क यानी एक्साई मिड वैल्यू। या तो आप जीरो और दो के बीच में एक ही आता है, दो और चार के बीच में तीन आता है, इस तरह से लिख सकते हो, या फिर जीरो प्लस टू डिवाइडेड बाय टू। डिवाइड बाय टू क्यों? क्योंकि हमने दो नंबर लिए, एवरेज निकालते हैं, चार प्लस दो छह डिवाइड बाय टू थ्री, इस तरह से कर सकते हो, या फिर मिड वैल्यू। फिर एक्साई एफआई दोनों को मल्टीप्लाई करना, 7 × 1 = 7, 18 × 3 = 12 × 5। फिर हमको एफआई का टोटल चाहिए और एफआई एक्साई का टोटल चाहिए, क्योंकि हमारे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं हम मीन को। मीन का फॉर्मूला है सबमिशन, सबमिशन यानी टोटल ऑफ एफआई एक्साई डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एफआई। इससे पहले लिखेंगे हियर सबमिशन ऑफ एफआई एक्साई, टोटल मिला हमको 218, और सबमिशन ऑफ एफआई का टोटल मिला है 50। तो हमने ये टेबल क्यों फॉर्म किया, ये दो टोटल फॉर्म करने के लिए। ये एफ एफ का टोटल है और ये एफआई एक्साई का टोटल है। अब ये टोटल मिलने के बाद हमको सिर्फ डिवाइड करना, तो हमारा एक्स बार हो जाएगा 218 डिवाइडेड बाय 50। अब आप इसको डिवाइड डिवाइड कर सकते हो, पहले तो 2 से चला जाएगा, तो ये आपका 25 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2109। इसके बाद सीधे सीधे जा नहीं सकता है, तब यहां पर 25 डिवाइडेड बाय 109 टेबल लिखो 25 का, 25, 50, 75, 100, 125 और 150 तक का स्टॉप करते हैं। फिर हमको चाहिए 109, 109 आता है आपका यहां पर, 4 × 9 डेसिमल, 90, 3 × 75, 15 डेसिमल लगाया हुआ, जीरो लगा सकते हो, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 150, तो ये आ गया आपका 4.36। तो x बार का वैल्यू क्या हो गया, 4.36। तो ये हमने फाइंड किया मीन। अब लिखना है फाइनल आंसर, द मीन टाइम स्पेंड बाय अ स्टूडेंट इज 4.36 आवर्स। तो आपको दो चीजें दी हुई थी, क्लास यानी टाइम, फिर फ्रीक्वेंसी, हमने क्लास मार्क निकाला, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, फिर एफ और एफ आई एक्स आई का टोटल लेना है और उसको डिवाइड कर देना है। तो ये फॉर्मूला है, वो प्लीज याद करके रखना, मैं ऑनलाइन लेक्चर में पूछने वाली हूं मीन का फॉर्मूला क्या है, स्टेप्स क्या है फाइंड करने के। तो पहला स्टेप है, प्लीज अपनी बुक में ठीक से लिखने रखना, पहला स्टेप है हमको टेबल बनाना है। टेबल में हमको चार कॉलम बनाना है, क्लास, एक्स, एफ, एफ आई एक्स आई। क्लास मार्क निकालना है, एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, टोटल लेना है एफ आई और एक्स आई का, और यहां पर लाकर फॉर्मूला में डालना है और डिवाइड कर देना है। यहां पर डेसिमल में ही आएगा, फ्रैक्शन में नहीं रख सकते हो, अपॉन फॉर्म में नहीं रखना है, पूरा डिवाइड करना है। अब इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स, द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द मिल्क दे परचेस्ड। तो आपको इस सम में मिल्क सोल्ड दिया हुआ है लीटर में। कभी भी अगर आप क्लास इंटरवल्स नहीं पहचान सको ना, वो डैश डैश जो दिया है वो क्लास इंटरवल ही होता है। तो अभी हम इसी तरह से टेबल बनाएंगे, क्लास जी, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो मिल्क सोल्ड, फिर हमारे पास है एफ, यहां पे हमको क्लास मार्क चाहिए, तो क्लास मार्क के लिए जगह छोड़ दी हमने, क्लास मार्क को हम लिखते हैं एक्स आई। फिर हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं एफ आई, और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर। फिर हमको क्या चाहिए रहता है, एफ आई एक्स आई, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। क्लास है आपकी 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 and 5 to 6। अब यहां पर मिडिल वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 17, फ्रीक्वेंसी है आपके पास 17, 13, 10, 7,
3। अब यहां पर क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करना है, एक और दो के बीच में वैसे तो 1.5 आता है, लेकिन चलो नहीं समझ में आता है तो क्लास मार्क 1, 2 का क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 1+2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1.5। फिर 2-3 का हो जाएगा, ये डैश है माइनस नहीं है, 2+3 डिवाइडेड बाय 2, 3+2 5 डिवाइडेड बाय 2.5। तो ऐसे ही डालते जाना है 1.5 2.5 3.5 4.5 एंड 5.5। फिर हमको यहां का टोटल चाहिए, यहां का टोटल चाहिए, मल्टीप्लाई। अब डेसिमल के साथ मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं करना है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ही करना है, बस आपको बाद में डेसिमल लगा देना है। जैसे अगर मुझे 17 और 1.5 का मल्टीप्लीकेशन करना है तो ये रहा 17, 1.5 5, 7। अब यहां पर एक के बाद डेसिमल है तो ये आंसर आ गया 25.5। तो नॉर्मल 77 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है, बस आपको डेसिमल एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा एक पॉइंट के बाद, क्योंकि यहां पर भी एक एक पॉइंट के बाद ही है। तो अब 2.5 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाता है 32.5। कैलकुलेशन खुद करके चेक कर लेना, 35.0, 31.5 और 16.5। हम लोगों ने क्या किया, क्लास इंटरवल्स दी थी, उससे हमने क्लास मार्क निकाला। इस तरह से निकालते हैं, 1 से 2 का क्लास मार्क है 1+2 डिवाइडेड बाय 2, 1+2 3 डिवाइड बाय 2 1.5, 2-3 2+3 5 डिवाइड बाय 2 2.5। तो एक एक नंबर पे ऐसे डिफरेंस में आके लिखते जाना, क्योंकि 3 और 4 के बीच में भी 3.5 ही आता है, 4 और 5 के बीच में 4.5 आता है, 5 और 6 के बीच में 5.5 आता है, सॉरी ये यहां पर रॉन्ग हो गया, 5.5 होगा। उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई किया, 1.5 को 17 से मल्टीप्लाई किया, ये इस तरह से करना है मल्टीप्लीकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है और एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देना है। तो ये सब मल्टीप्लाई किया तो हमको ये नंबर्स मिले। अब फ्रीक्वेंसी का लेना है टोटल एंड FIXI का भी टोटल लेना है। फ्रीक्वेंसी का टोटल ऑलरेडी दिया हुआ है सब में, सब में क्या बोला था 50 कस्टमर्स है, तो ये नंबर ऑफ कस्टमर्स ही है ना, तो ये हो गया आपका 50, हो गया सबमिशन FI का टोटल। फिर यहां का टोटल 5+5 10, 10+5 15, 15+5 20, यहां तो आ जाएगा 0 और यहां आ जाएगा 2। अब नॉर्मल डेसिमल के पीछे के नंबर्स हट गए आपके, तो नॉर्मल टोटल करोगे तो ये होता है 141। पॉइंट जीरो, अभी पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, तो हमारा FIXI का टोटल आया 141 और FI का टोटल आया 50। अब हम यहां पर लिखेंगे इसको और उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहां पर पहले लिख लेते हैं, हियर समेशन ऑफ FI इक्वल्स टू 50 एंड summation of FIXI equals to 141, therefore x bar equals to, sorry, as x bar equals to summation of FIXI upon summation of FI, that is 141 upon 50। अब ये भी सीधे सीधे नहीं जाता है, डेसिमल में ही आने वाला है, डिवाइड करो, 50 का टेबल तो आराम से आ जाता है, 150 पे जाएगा 2 टाइम 100 पे जाएगा 41, डेसिमल लगा के 0, एट्सा 400, 10 बचा, 0 लगा सकते हैं 2 टाइम, तो आंसर आया आपका 2.82। तो फाइनल आंसर लिखेंगे, पूछा क्या था, द मीन ऑफ मिल्क सोल्ड, द मीन ऑफ मिल्क सोल्ड इज 2.82 लीटर। लीटर क्यों, क्योंकि आपको वो जो मिल्क है वो लीटर में दिया हुआ है, उससे पहले आर्स में दिया था क्लास इंटरवल, तो हमने आर्स लिखा था लास्ट वाला आंसर 4.36 आवर्स। यहां पर आपको इसमें दिया हुआ है
लीडर में दिया हुआ है उसके फाइनल आंसर कि ऑन एन एवरेज जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है उनको 2.82 लीटर्स तक का मिल्क सोल्ड किया जाता है। तो ये हो गए हमारे दो सम, प्लीज अच्छे से चेक कर लेना, ये वाली चीज अपनी बुक में लिख लेना कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, पाई डायग्राम। तो अभी हमारा ये मीन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, हमने दो ही सम किए क्योंकि दो ही सम है, बाकी सारे स्किप कर दिए। दोनों डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा निकालो, मल्टीप्लीकेशन करो, छोटा सा एक फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, डालो खत्म अपना काम। थर्ड सम भी किया, फर्स्ट सम भी किया, तो 6.1 कंप्लीट हो गया। अब हम आज ही स्टार्ट कर रहे हैं मोड 6.3, क्योंकि मीडियम थोड़ा सा टफ पड़ेगा, मोड थोड़ा इजी है, मोड में आपको टेबल वेबल ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत भी नहीं है, तो इसके बाद हम लोग मोड स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं मोड। मोड मतलब हाईएस्ट वैल्यू, मीन मतलब था एवरेज कि ऑन एन एवरेज कितना क्या करनी, मोड मतलब सबसे बड़ी वैल्यू। तो इसमें आपको कोई टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन में ही पेंसिल से लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी, ये जो नंबर्स दिया है ना, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखो 80, इसको हम लिखते हैं F1, उसके ऊपर का हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। तो जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है ना उसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। हमको फॉर्मूला पुट करना है तो हमको ये सब चीजें चाहिए, तो ये सब चीजों को पहचानने का कैसे, F1 जो भी बड़ा नंबर दिखेगा नंबर्स में, क्लास इंटरवल में नहीं, नंबर्स में जो भी बड़ा नंबर दिख रहा है वो F1, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, और जो बड़ा नंबर दिखा ना उसको ब्रैकेट में डाल दो, ये है आपका मॉडल क्लास। अब हमको वैल्यूज लिखनी है एंड उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो यहां पर हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी 80, ये वाला 80 सबसे बड़ा वाला नंबर फ्रीक्वेंसी का, ये नंबर ऑफ कंटेंट्स ऑफ फैट है कि 2 से 3% तक फैट होता है अगर आप 30 लीटर दूध कलेक्ट करते हो। तो हमारा सबसे ज्यादा मिल्क कलेक्टेड था 80, तो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 80 है। देयरफॉर मॉडल क्लास, जो 80 के सामने वाली क्लास है ना, 80 के सामने हमारी क्लास आई थी 4-5, तो मॉडल क्लास भी हो जाएगी हमारी 4-5। अब हमको फॉर्मूला पुट करने से पहले वैल्यूज लिखनी है, हमको चाहिए रहता है L, हमको चाहिए रहता है F1, F0, F2 और H। तो L लोअर क्लास लिमिट, ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास की सबसे लोवेस्ट क्लास लिमिट है, दैट इज ये 4। तो यहां पर L क्या हो जाएगा आपका 4, लिखना आपको यहां पर ही है, यहां पे मेरे को जगह कम पड़ गई इसलिए मैंने यहां पे लिखा है। तो आपका लोअर क्लास लिमिट यानी L हो रहा है 4। फिर F1 होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो ये जो मॉडल क्लास है 4-5, उसका फ्रीक्वेंसी कितना था 80, तो यहां पर हमारा F1 हो जाएगा 80। फिर F0, उसके ऊपर वाली क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास के ऊपर की फ्रीक्वेंसी क्या थी 80 के ऊपर का 70, तो F0 हो गया आपका 70। तो अभी तक हम लोगों ने F0 तक लिखा, उसके बाद F2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, सक्सीडिंग मतलब जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी ना उसके नीचे वाली, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग, सक्सीडिंग मॉडल क्लास। तो हमारी ये 80 के नीचे क्या आया था 60, तो यहां हम लोग लिखेंगे F2 इक्वल्स टू 60। एच क्या होता है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल मतलब डिफरेंस, तो क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का था 4-5, क्लास इंटरवल मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो 5 और 4 का डिफरेंस क्या होता है 1, तो h हो जाएगा आपका 5-4=1। तो ये हो गया हमारा मोड के लिए, हमको जो जो चीजें चाहिए थी। एक बार वापस देख लेते हैं, आपका ये सम दिया हुआ था,
कोई टेबल वेबल फॉर्म नहीं करना है, जो भी आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दिखती है, फ्रीक्वेंसी मतलब ये है नंबर्स, उसको लिखो F1, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, ये हो गया आपका L और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया H। अब पुट करते हैं हम लोग फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0, ये स्मॉल f होता है, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन H से। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक से लिखना, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मोड और मीडियन के फॉर्मूला थोड़े से बड़े बड़े हैं, मीन का ज्यादा कुछ नहीं था, तो ये सारी वैल्यूज मैं फॉर्मूला बार बार बता रही हूं, एक जगह लिख लेना, क्योंकि मोड के आगे के तीन सम इसी फॉर्मूला पे जाने वाले हैं। और एक चीज, कभी भी ये चेक कर लो कि क्लास इंटरवल जो है ना वो कंटिन्यूस है या नहीं। भले ही आपको मीन पूछा, मीडियन पूछा, मोड पूछा, कंटिन्यूस मतलब 3 पे खत्म 3 से 4, 4 से खत्म 4 पे चालू, 5 पे खत्म 5 पे, 6 पे 6, इसको कंटिन्यूस बोलते हैं, 2 3 3 4, 4 5 4 5। अब आपको है ना मोड में एक सम आएगा, चौथा सम, जहां पर 0 4 5 9 दिया है, कंटिन्यूस नहीं होगी, हमको कंटिन्यूस करनी पड़ेगी। तो कभी भी अगर आप मीन मीडियन मोड का सम सॉल्व करोगे तो क्लास इंटरवल का कंटिन्यूस होना जरूरी है, अगर कंटिन्यूस नहीं दिया है हमको करना पड़ेगा। इसके नोट्स वगैरह भी लिख के दे रही हूं मैं आपको कि मीन में क्या किया हमने स्टेप्स और मोड में क्या किया। तो ये हमने किया, अभी हम डालते हैं फॉर्मूला में। L हमारा है 4 प्लस F1 80 F0 70 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 80 माइनस 70 माइनस 60, पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि H हमारा 1 है। अब ये वाला पार्ट बाद में सॉल्व करना है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। 4 प्लस 80 माइनस 70 10, 2 इंटू 80 160, माइनस 70 माइनस 60, स्टेप बाय स्टेप इंटू 1। कभी भी ये 80 माइनस 70 मत कर देना, फर्स्ट हमारा मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होता है, इसके बाद 4 प्लस 10 अपॉन 160 माइनस 70। अब 160 में से 70 जाता है तो 90 बचता है, 90 माइनस 60 इंटू 1। इंटू 1 चाहिए तो हटा सकते हो क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आएगा। 4 प्लस 10 अपॉन 30 इंटू 1 तो उतना ही बचने वाला है। अब ये 0 0 कट कर सकते हो क्योंकि ऊपर नीचे है, अब ये बाहर प्लस है, ये तो अपॉन में है तो कट कर सकते हो, तो 4 प्लस 1 अपॉन 3। अब पहले 1 अपॉन 3 को डिवाइड करोगे फिर उसको 4 के साथ प्लस करोगे। अब 1 अपॉन 3 को डिवाइड किया तो आता है 4 प्लस 0.33, तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4.33। ये हो गया मोड। हमने क्या किया, पहले सम में से F1, F0, F2, H, L सब फाइंड किया, यहां पर लिखा है मैंने F1, F0, F2, सबसे बड़ा नंबर F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, सिर्फ बड़ा नंबर देखो सारी चीजें मिल जाएगी आपको। ये हो गया आपका L और इन दोनों के बीच का डिफरेंस H। फॉर्मूला में पुट किया F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये आपका फॉर्मूला है। तो सारी वैल्यूज जो हमने निकाली थी वो यहां पर पुट की, पहले ब्रैकेट सॉल्व करने, 80 माइनस 70 10, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन किया 70 60, फिर 160 माइनस 70 90, ये 60 वैसे के वैसे ही रहेगा। 30 1 से 3 को डिवाइड करते हैं तो 0.33 आता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह मत करना, 1 अपॉन 3 को डिवाइड किया तो 0.33 आते जाएगा, फिर उसको 4 के साथ ऐड करना है तो 4.33 आपका फाइनल आंसर है। तो यहां पर हम आंसर लिखेंगे, द मोड ऑफ फैट कंटेंट इज 4.33%, क्योंकि आपको यहां पर जो कंटेंट ऑफ फैट है वो परसेंटेज में दिया है। तो यहां पर मैं लिख रही हूं आपका फाइनल आंसर, द मोड ऑफ फैट कंटेंट इज 4.33%। ये 33 पे चाहिए तो पॉइंट लगा सकते हो क्योंकि 33 आगे तक चलते जाएगा।
तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक से देख लेना मोड का। मोड हमने यहां से शुरू किया था, फॉर्म ये F1 F0 ये सब पहचाना, वैल्यूज पुट की, सब लिखा, फॉर्मूला लिखा, सॉल्व किया। मोड इजी है। तो ये लास्ट पार्ट कि मीन के लिए हमने क्या किया, एक टेबल फॉर्म किया, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, FI, XI, ये दो चीजें आपको सम में मिल जाएगी। ये आपको निकालनी है, ये मल्टीप्लीकेशन करना है। क्लास मार्क कैसे निकालना है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, जो भी क्लास लिमिट दी रहेगी दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, क्लास मार्क मिल जाएगा। नहीं तो सीधा साधा तरीका है, बीच वाली वैल्यू लेनी है आपको। फिर फॉर्मूला डालना है, एक्स बार इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ FIXI डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ FI, FI का टोटल लेना है, XI का टोटल लेना है, डिवाइड कर देना। ये जो सिंबल है ना, ये ऐसा सोया हुआ W, खड़ा हुआ W, सॉरी, उसका मतलब होता है टोटल, सबमिशन मतलब टोटल। फिर मोड के लिए जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग रहते हैं F1, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। याद कैसे रखने का, सीक्वेंस में ज्यादा है 0 1 2 0 1 2, तो 1 मिला तो ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। फिर फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करके रखना, क्योंकि अभी मैं मैथ्स के ऑनलाइन लेक्चर में ये वाले चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। तो हम फिलहाल यहां तक लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं, हमने मीन कंप्लीट किया और हमने मोड का एक सम कंप्लीट किया।